इस हिसाब से थोड़े से आदमी होकर के काफी मजे से रहना चाहिए, काफी हंसमुस रहना चाहिए। अभी बहुत ये है तो दूसरा खेल लेके आएंगे, दूसरी चीज है चेस रखा है, जिसको खेलना आता है वो खेले, और जिसको ये कैरम आता है कैरम खेले, जिसको गप मारनी है गप मारो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज हम बाहर गए स्मारिका के लिए, हमें पैसे की जरूरत है, हमको 4 महीना हुआ है, 4 महीने के अंदर 3,500 रुपया फुल मिला है, ये भी हमारे सगे दोस्तों ने दिया है और किसी ऐसे वैसे ने नहीं, आ जाओ कल आओ ये करो सो करो। लेकिन आप लोगों को एक लाड के लिए पैसा जमा हुआ, हमारे संस्था के हमारे ही मेंबरों ने जमा किया तो 5,500 रुपया जमा हो गया, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 3,000 और दो, क्यों भाई 3,000 और दो, जितना हमारे सब संस्था हमारे मेंबरों ने जमा किया उतना पैसा हम देंगे, हम आपके संस्था से 3,000 रुपया उठा के क्यों दें, जब हम 4 महीने तक 4 महीने से हम 350 रुपया जमा कर रहे हैं तो एक आदमी को 3,000 रुपया ऐसा 8,500 रुपया क्यों देते, सबने दिया हमने भी दिया सभी ने दिया, तो वो सबका पैसा है, सबका पैसा है। तो इस हिसाब से सोचना चाहिए कि अपनी मूड़ी खत्म हो रही है, और वो तो बेचारे ऐसे है लाड साहब की म्युनिसिपैलिटी के यहाँ काम भी किए हैं और उनको पेंशन भी है, उनका लड़का भी कमाते हैं, असहाय भी नहीं है और सब कुछ उनको फैसिलिटी म्युनिसिपैलिटी देती है, अगर वो वहाँ जाकर के जमा हो जाए वहाँ एडमिट हो जाए तो उनको ना नहीं है, पूरी फैसिलिटी है। तो फिर ऐसे आदमी को आप फैसिलिटी देते हैं मदद करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जितना है 5,000 5,500 तो बाकी आपके 3,000 आपके सिलक आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उस तरह काम करना चाहिए, किसी के शिकायत पर नहीं चलना चाहिए आदमी को। आप लोग सब जानते हो कैसे करना है क्या करना है, इस हिसाब से आज कहीं भी बाहर गए तो बोला ना हम 5-5, 6-6 आदमी जा रहे हैं, सब कुछ किया, कोई किसने दिया पैसा नहीं दिया, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या करें आगे कैसे करें।